जी बिल्कुल, जो ही सयाह स्वात में चक्कर वगैरह से सैर व तफरीह से थक जाते हैं तो वो दरियाए स्वात के किनारे आकर यहाँ के ठंडे हवाओं में खुराक और कानों से लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खाना खाने बैठ गए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं और उन्होंने क्या ऑर्डर किया है, उनको खाना और यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है, आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं आप? जारियान हूँ मैं, लाहौर से आए हैं हम जी। क्या दरिया के किनारे ठंडी हवाओं में क्या खा रहे हैं आप, मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, सब्जी खा रहे हैं जी, साथ हांडी है साथ और दुम्बा कढ़ाई वगैरह जी। अच्छा, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्वात के हवाले से? स्वात एक बहुत अच्छा शहर है, लोग बहुत इधर जो हैं क्या कहते हैं पुरअमन लोग हैं और साथ दोस्ती करने वाले लोग हैं, बहुत बड़े दिल के लोग हैं, तो ज़रूर आएँ। और KPK में जो इमरान खान ने इस दफ़ा काम किया बहुत अच्छा काम किया और मज़ा आ रहा है इस दफ़ा। आगे जाते हैं, इनके जो पापा है उनसे गुफ्तगू करते हैं, इनकी बाकी लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सर अपना नाम बताएं और ये बताएं कि स्वात आके आपको कैसा लगा? मेरा नाम जिशान है जी, और स्वात में आके बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा, ये एक सियाती मुकाम है तो लाहौर की गर्मी और पंजाब की गर्मी से हमने ईद की छुट्टियां इधर फैमिली के साथ गुजारने के लिए स्वात में बुकिंग कराई, हम यहां पे ठहरे हुए हैं। तो यहां से आगे बहरीन भी गए, हम मालन जब्बा भी गए, हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी, खाना बहुत अच्छा है, यहां के लोग बड़े अच्छे हैं, खुश अखलाक हैं। सर ये बताएं कि स्वात तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अपना एक नाम रखा है उस ब्यूटी के हवाले से, लेकिन ये बताएं कि आप मालन जब्बा, बहरीन, फिजागट वगैरह, आपको कौन सा लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया? हमें ज़्यादा ये गर्मी की वजह से ना, लाहौर की गर्मी और पंजाब, तो उसकी वजह से हम दरिया के किनारे और यहाँ की जो दरिया की हवा है इसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और ये बहरीन में और जैसा कि अभी इधर भी बैठे हुए हैं हम दरियाए स्वात के किनारे, तो इसको हम ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, इनके जो फैमिली वाले हैं उनसे पूछते हैं कि वो लोग टूरिस्ट को क्या मैसेज देना चाहते हैं और साथ ही साथ क्या खाना खा रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। अम्मा साहिबा क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वात के हवाले? सबको मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो भी है पहले जिस तरह था वो वैसे नहीं रहा, अब बहुत पुरअमन हो गया है, बहुत अच्छा है और माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। हम सबको कहते हैं कि आएँ यहाँ पर, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि ये लोग जो है ना खुश आमदीद करते हैं सब लोगों को, तो इसलिए आज जितना है मेहमान नवाज हैं पर शुरू से और अभी भी मेहमान नवाजी उनकी पहले तो मशहूर थी, अब हमने अपने आँखों से देख भी लिया। बहुत शुक्रिया। आइए आखिरी जो इनके साथ एक बच्ची है उनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या खाया, इन्हें मज़ा आया कि नहीं? जी आपने तो अपना प्लेट माशाल्लाह खाली करवाया है, क्या खाया आपने, कैसा फील किया आपने दरिया के किनारे ठंडी हवाओं में खाना? मैंने अच्छा महसूस किया है, अभी मैंने खाना खा लिया जैसे कि आपने पहले ही बोल दिया जी, लेकिन बाकी इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ बहुत सही है, पुलिस बहुत अच्छी एक्ट कर रही है और हॉस्पिटल्स वगैरह भी बहुत डेवलप हैं, सब कुछ लोग बहुत अच्छे हैं इधर के। आप अपने क्लासमेट यूनिवर्सिटी मेट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वात के हवाले से? मैं बस यही मशवरा दूँ कि आएँ तो इधर ज़रूर चक्कर लगाएँ, ना कि आप लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ को विज़िट करें बल्कि अपनी ब्यूटी पाकिस्तान की विज़िट करें और उनका अप्रिशिएट करें। जी जैसा कि आपने जाना कि दरिया के किनारे बहुत सारे लोग ठंडी हवाओं में और दरियाए स्वात के मौज मस्त लहरों में खाना खाते हुए इन्जॉय कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप जो लोग स्वात नहीं आए वो बिल्कुल यहाँ आके स्वात का विज़िट करें और वो यहाँ के मौसम और यहाँ के माहौल से लुत्फ़ानंदोज़ हो।